अच्छा आओ जी आओ आपके दर्शन के लिए बहुत 800 किलोमीटर से आए हैं। प्रवचन सुनने लिए जी जी अति अति मैं वैसे तो बहुत ज्यादा मन च बल बुला सी थोड़े नाल गल करने दा पर आपसे बात करने पर तुसी बिजी सी गया क्योंकि ना मैं बचपन तो ही बहुत कृपा है, मतलब अनिर्वचनीय कृपा है इस नवीन अवस्था से जो भगवत मार्ग में लगता है और अपनी इंद्रियों को विषयों में ना जाने दे तो बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाए। सिद्धि का मतलब है साहब में मगन हो जाना, अपने ईश्वर में, अपने परमेश्वर में, अपने गुरु की वाणी में आचरण युक्त हो जाना। कभी गलती बस मत करना, जो गुरु वाणी के विरोध वाली बातें हैं वो कभी जीवन में मत उतारना। तो जो गुरु ग्रंथ साहब का प्रभाव है ना, बहुत जल्दी जो बाल्यावस्था से भगवान में लगता है उस पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो निर्विषय होके चलता है ना। जैसे गृहस्थी में गए तो भोगों को भोगा, फिर भगवान में चले, अच्छा है, प्रणाम योग्य है। पर जिसने बच्चापन से भगवान की तरफ, प्रभु की तरफ लगा ना, बहुत अहोभाग्य। अहोभाग्य, आपका स्वागत है। लो, इनको चुनरी उड़ाओ और माला पहनाओ। हाँ हमें बहुत इसलिए सुख मिला कि आप इतनी नवीन अवस्था में। हाँ, बहुत अच्छा, स्वागत है आपका। कृष्ण जी ना, मैं बचपन तो ही मेरे माता जी ने ना मैंने छोटे होंगे से के कृष्ण जी का वो देता सी रूनी दे टाइप दे होंगे वो देता सी वो बचपन से ही मैं कृष्ण जी नो कृष्ण जी ना अपना मित्र समझदा जी अते मैं अपने मित्र दे आज हाँ, ये आपने अच्छा किया, हिंदी में लिखा है तो हम पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सही। हमारा बहुत श्रद्धा भाव गुरुवाणी पे, बहुत मतलब हम जैसे आपको देखते हैं ना, तो हमें ये नहीं लगता कि कुछ अलग है, हमें लगता है कि सब हमारे आप घर के हो और हम एक ही मार्ग के पथिक, एक ही परमेश्वर के दास हैं, एक ही परमेश्वर की सेवा में, उन्हीं के चिंतन में, ऐसा लगता है। बहुत कृपा करिए आपने, गुरुवाणी जी के शब्द लाए आप। ये सम्मान से किसी वस्त्र पे विराजमान करो, गुरुवाणी जी विराजमान है से, तो ठीक है, फिर कभी दर्शन दीजिएगा। अब तो हमारी आपकी दोस्ती हो गई, जब कभी मन हो आप आ जाइए। वाहे गुरु का खालसा।